आज का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा अलग है उससे, इससे जो पहले वाले क्वेश्चन थे उनको देखने के लिए बेसिक को आप हमारी इससे पहली वीडियो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और नोट्स भी उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक जो है वो नोट्स का दिया गया है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे और एक्सरसाइज मिल जाएगी जिसमें लगभग 10 क्वेश्चन अभी ऐड करे गए हैं, उन क्वेश्चनों को आप कर लें। करने के बाद में यदि आपको कोई समस्या आती है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं सीधे और पूछ सकते हैं। सब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, उससे थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, उससे काफ़ी अलग है, थोड़ा नहीं काफ़ी अलग है। क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे। एक समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें बी कोण समकोण है और ए भी पूछा आपके सी का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर आया है ये। अब हम इसको बनाते हैं वैल्यू AC की, कैसे बनाएंगे आप AC का स्क्वायर, ये वैल्यू है AC, ये हो जाएगा रूट में 25, जो इधर स्क्वायर था वो इधर आके रूट हो गया। अब ये रूट जैसे ही आप उतारेंगे ये आएगा 5, मात्रक दिया हुआ है सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दो 5। अब ये 5 हो गया है। अब ये जो वैल्यू दी गई है ये निकालना है हमें, जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमसे पूछा गया है ये दोनों। सबसे पहले आप ये वाला निकालेंगे साइन एक, कौन सा कोण लिया गया है A, इस कोण की बात करी गई है A की, तो जब A की बात करी गई है तो हम थीटा यहाँ पे लेंगे, ये वाला कोण इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगी। अब जब हम साइन A की बात करते हैं ये हो जाएगा आधार और वो कर्ण फिक्स है, कर्ण वहीं पे है, साइन A लंब बटे कर्ण। लंब इसमें कौन सा है A के लिए, लंब ये है 4 लिख देंगे, कर्ण कौन सा है A के लिए, ये ही है, साइन A की वैल्यू कंप्लीट। उसके बाद में आते हैं cos A, आधार बटे कर्ण होता है, कोण A के लिए आधार कौन सा है 3 अपॉन कर्ण है 5, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकल चुका है। अब तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है tan A, ये है लंब बटे आधार, लंब है हमारा इसमें ही देखते हैं 4 और आधार है हमारा 3, 4/3। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकल चुका है A के रेस्पेक्ट में, साइन A cos A tan A, ये तीनों निकल चुके हैं। अब जो बाकी ये तीन हैं ये C के रेस्पेक्ट में निकालने हैं, साइन C cos C और tan C, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको भी इसी तरह से निकालेंगे लेकिन इसके लिए लंब कर्ण और आधार बदल। जब हम A के रेस्पेक्ट में निकाल रहे थे तब ये A वाला कोण ले रखा था, लंब ये था, आधार ये था, लेकिन जब C के रेस्पेक्ट में हम निकालने वाले हैं तो ये वाला लंब हो जाएगा, C के सामने वाला कोण जो भुजा है वो लंब रहेगी और ये वाली रहेगी आधार। अब की बार में साइन C लंब बटे कर्ण, लंब देखते हैं अब की बार क्या है 3, कर्ण क्या है 5 है, क्योंकि कर्ण निश्चित है इसीलिए कर्ण नहीं बदला है। cos C, cos C के लिए आधार बटे कर्ण, आधार क्या है, आधार है हमारा अब की बार 4, कर्ण है हमारा 5। tan C की बात करते हैं, tan C है लंब बटे आधार, लंब है हमारा अब की बार 3 ये वाला, आधार है हमारा अब की बार 4। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और अब से अगले और पिछले वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। धन्यवाद, बाय।